तो दोस्तों चलिए हम लोग कुछ रिदम देखते हैं। इसके इंडियन रिदम्स तो सभी जानते होंगे, जैसे इंडियन रिदम्स में आप भांगड़ा, तो बहुत लोगों का कहना था कि बहुत लोगों का ये कहना था कि जो रिदम्स बनते हैं वो आप इनबिल्ट कैसियो ने दिया है या आप सैंपल करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ सारा चीज दिखा दिया आपको, इसमें कोई सैम्पलिंग की आपके पास कोई सोर्स नहीं है। प्लस इसमें इनबिल्ट जो रिदम्स दिए हुए हैं इंडियन कैटेगरी के, वो एक लिमिटेड कैटेगरी दिए हुए हैं। बट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मल्टी लेयरिंग सिक्वेंसिंग है, जिसको आप सिक्वेंस करके आप अपने यहाँ स्टाइल में रख सकते हैं। मैंने कुछ सिक्वेंस करके रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाइए। देखिए दोस्तों यहाँ ये 250 के बाद 251 से एग्जामिनेशन एंड 308 तक होता है। 309 से आपका ये यूजर रिदम्स होता है, जिसमें आप जो बनाते हैं वो यहाँ दिखाइए। तो 309 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 309 में मैंने कुछ नहीं बनाया, ये देखिए। 314 में मैंने इस कदर प्यार है दीवाना, सोनू निगम जी का एक गाना बहुत अच्छा आया था, मैंने थोड़ा सा एक पूरा तो नहीं बजाऊंगा, थोड़ा सा एक सकते। इसमें मैं आपको दूसरा एक सुनाता हूं, जैसे तुम मिले।
तो नदीम सरवन पैटर्न मैंने बनाया है कुछ। गाने जो सिर्फ तुम बहुत ही अच्छे थे। पानी का मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बनाया इसके लिए मैं संतूर ले लूँ। Thank you.
इस तरह से आप कुछ भी अपना ओन रिदम बना सकते हैं। 60 रिदम्स आप सॉरी 60 नहीं 50 रिदम्स आप बना सकते हैं यूजर। उसके बाद आप पेंडेट के सारे उस रिदम्स को आप अपने कंप्यूटर में पीसी में बैकअप बना सकते हैं। फिर जैसे ही बैकअप बना लेंगे आप ये सब रिदम उड़ा के डिलीट करके फिर से नया रिदम बना सकते हैं, फिर उसका बैकअप ले सकते हैं। ऐसे पेनड्राइव में रख सकते हैं, पेनड्राइव आप डालेंगे, पेनड्राइव को से इसमें लोड करेंगे और कोई भी आप अपना बनाया हुआ मल्टीपल जितने चाहे आप उतना बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक हल्का सा एक रिदम बनाकर दिखा दूं कि ये सब रिदम मैंने किस तरह से बनाया, कैसे बनाया। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे एक रिदम है ऐसी दीवानगी, कैसे बनते हैं। जैसे अगर मैं रिदम बजाता हूं, ये सिर्फ ऑडियो रिदम बज रहा है, तो मैंने इसमें कॉर्ड भी डाले हैं, जैसे कॉर्ड आप बजाएंगे आप इसे कॉर्ड बेस बंद कर सकते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि आप एक बार रिदम बना देंगे तो कॉर्ड बेस ऑटोमेटिकली बजेगा। आपको एवरीथिंग यू विल हैव टू मेक सेपरेटली, आपको खुद से बनाना पड़ेगा, बेस हो, कॉर्ड हो, बैकिंग हो, सारी चीजें हो, एक एक पार्ट, एक एक चीज। मैं अभी दिखाता हूं आपको एक सैंपल। जैसे मैंने 356 अभी मेरा ब्लैंक है, यहां दिखाइए 356 ब्लैंक है, ये कुछ भी नहीं बज रहा। तो मैं एक सैंपल बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रोसेस बताऊंगा कैसे होता है, मैं सैंपल बता रहा हूँ। पहले मैं टेम्पो सेट कर लूंगा मुझे क्या बजाना है, ठीक है। मैंने 122 टेम्पो सेट किया, ठीक है। तो आप इसको मेट्रोनोम ऑन कर लें, उसके बाद बजाएं। आपने एक रिदम बजाया, इसको मैंने अभी सेव कर दिया। अब मुझे इसके फीलिंग बजाने, तो मैं आप फीलिंग भी बजा सकते हैं। जैसे आप इसमें ड्रम, दो ड्रम, एक बेस गिटार, एक गिटार, एक कॉर्ड, बैकिंग एंड टू नो, कोई भी टोन्स आप यूज करना चाहते हैं वो बजा सकते हैं टोटल। तो मैं अभी एक ड्रम पार्ट बजाया, एक परकशन पार्ट मैं बजाऊंगा। परकशन पार्ट तो आप फिर से रिकॉर्ड करना है। आप सेव कर लें। अब मुझे फीलिंग बजानी, फीलिंग, तो फीलिंग बजाने के लिए आप फीलिंग भी बजा सकते हैं।
मेट्रोनोम टेम्पो काउंट करना पड़ेगा का फ्लिंग टू ब्लैंक रहेगा, 3-4 में आपको फीलिंग बजाना है, ठीक है। ठीक है, इसके साथ आप परकशन बजा सकते हैं। अब ये तो हो गई रिदम, अब हम लोग इसमें कॉर्ड बेस कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको याद रखें दोस्तों, बेस और कॉर्ड जितने भी चीजें सीक्वेंस होती है वो सी मेजर से ही होती है, उससे कोई मतलब नहीं आप माइनर का गाना बना रहे या मेजर का कॉर्ड्स बना रहे, सारे सीक्वेंसिंग मेजर सी मेजर से ही होगी। जैसे मुझे अगर कॉर्ड्स बजाने हैं तो मुझे सी मेजर ही बजाने होंगे, जैसे अब मुझे गिटार के कॉर्ड्स बजाने हैं आपको बैकिंग बजाने हैं। आपको कोई पार्ट बजाना हो, ठीक है, अब इसे मैं सेव कर लिया। अब मैंने जो फीलिंग बजाया था उसके लिए भी कॉर्ड बेस आपको जरूरी होता है, जैसे एग्जिट हो जाता हूं, ठीक है। अब ये आपका रिदम तैयार हो गया कॉर्ड बेस के साथ, अब कुछ भी आप बजा सकते हैं उसके साथ। मैंने बजाया था सी मेजर से कॉर्ड बेस सारी चीजें, लेकिन अब आप कहीं से भी बजाए कॉर्ड बेस आपके हिसाब से चलेगी। और अपने कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में रिदम कैसे बनते हैं इसका पूरा प्रोसीजर क्या है मैं बताऊंगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। तो आज के लिए इतना ही, आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में दें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार।